भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक दिन में वायरस के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को राज्य में कोरोना के 17,433 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 8,25,739 हो गई है। खास बात यह है कि यह आंकड़ा दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित पांचवें सबसे बड़े देश पेरू में मरीजों की संख्या से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर महाराष्ट्र एक देश होता तो यह कोरोना मरीजों के मामले में दुनिया भर में पांचवें नंबर पर होता। WHO के मुताबिक पेरू में कोरोना के 6,52,037 मामले, जबकि भारत में अकेले महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के 8,00,000 से ज्यादा मामले हैं। लिस्ट में अगले नंबर पर रूस है, जहां कोरोना के 10,05,000 मामले हैं। महाराष्ट्र भी अब 1 मिलियन के आंकड़े को छूने ही वाला है। राज्य में कोरोना के मामले अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 17,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। इससे पहले 29 अगस्त को राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा 16,867 मरीज सामने आए थे। बताया गया कि भारत के कुल कोरोना मामलों का 22% अकेले महाराष्ट्र में है। जब से देश में कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ है, तब से महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना से 292 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से 34 मुंबई के रहने वाले थे। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरने वालों की संख्या 25,195 हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के मामले को लेकर नए नए माइलस्टोन हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर 3.5% है। यह गुजरात से थोड़ा सा ही कम है, जहां कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।